अभी हम लोग पंजी से निकल के बड़गांव जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले हैं बाजू बाजू कुछ दूसरे का हम लोग जाने वाले हैं। अभी हम लोग बस में हाँ, लेकिन एक चीज़ है, मैंने इस ट्रैक से बहुत कुछ सीखा, तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी क्या क्या चीज़ें सीखा। और ये चीज़ है कि क्या चीज़ हमको मिलने वाली है यहाँ पे, क्या चीज़ नहीं, मतलब एक तो मेरे को हर दिन एक नया नया एक्सपीरियंस हो रहा है, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रही हूँ, तो बस का एक्सपीरियंस बहुत सारी नई चीज़ें सीखने में मिल रही है, तो वो लास्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो दैट्स इट, हम लोग अभी बस में पहुँचते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग बस स्टैंड के जो मडगांव है वहाँ पे आ गए हैं। मडगांव से हम लोगों ने दूसरी बस ली है रेलवे स्टेशन के लिए, फिर हम लोग यहाँ से काना कोना जगह है वहाँ पे जाने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग का हॉस्टल है तो हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। एंड अभी बस पे बैठ के रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, देन हम लोग वहाँ से होटल, देन फिर हम अपना आज का जो टूर है वो स्टार्ट करेंगे। वॉइस सुनाई नहीं देगा, तो हम लोग आपसे मिलते हैं दूध सागर में। सो ये हमारी टैक्सी। सो अभी हम लोग निकल गए हैं दूध सागर के लिए। सबसे पहले हम लोग बस स्टॉप पे उतरे थे मडगांव पे। ये मडगांव नहीं है, ये मरगांव। कौन सा गांव है? दूध सागर के बाद मरगांव। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मडगांव, लेकिन एक्चुअल में ये है मरगांव। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दूध सागर, देन हम लोग सबसे पहले बस स्टॉप पे उतरे, देन वहां से हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे हमने सोचा गाड़ी मिल जाएगी, बट हम लोग को गाड़ी मिली नहीं। एक्चुअली यहाँ का ये सिस्टम है कि यदि आप बाइक लेकर जा रहे हो तो आपको शाम को 6 बजे तक रिटर्न करनी होती है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग 9 बजे लेके जाते हैं और सुबह दूसरे दिन देते हैं, बट ये बहुत गंदा डिसएडवांटेज है इधर पे। तो हम लोग मिलते हैं दूध सागर में आप लोगों से, है ना। तो अभी हम लोग पहुंच गए दूध सागर और हम बहुत ज्यादा थक थक गए हैं, कुछ खाया नहीं है सुबह से हम लोगों ने। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए एंड सबसे पहले हम लोगों ने टिकट कर पाया, तो टिकट की जो कॉस्टिंग है वो आपको मैं मेंशन कर दूंगी। देन उसके बाद आपको लाइफ जैकेट दी जाएगी जो 40 रुपीज़ पर पर्सन होती है। एंड फिर हम यहाँ से गाड़ी से निकल गए। सो हम लोग जब गाड़ी पे जा रहे थे तो भैया हम लोगों से थोड़े चिड़े हुए थे, जो गाड़ी वाले भैया थे, डोंट नो व्हाई। तो ये रहा दूध सागर का ट्रैक, हम गाड़ी से पैक करते हुए जाएंगे। रोड बहुत ही उबड़ खाबड़ थी बट अच्छा था, पूरा फॉरेस्ट एरिया था। तो जैसे आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गेट में पहुंचते हैं तो आपकी चेकिंग होगी कि आपके पास कैमरा तो नहीं है, प्लास्टिक बॉटल है तो कितनी प्लास्टिक बॉटल है वो वापस आ रही है कि नहीं, अदरवाइज वो वापस नहीं आती तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो वहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको पेड करना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए दूध सागर। तो दूध सागर में आपको सबसे मतलब थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक करते हुए जाना पड़ेगा। एंड जो डेस्टिनेशन हमको मिली ना, इट्स लाइक वाओ, उसके लिए वर्थ है इतना ट्रैक करना। तो आराम से जाइएगा बिकॉज थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, पत्थर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया चेंज, चेंजिंग रूम था वहाँ पे, तो हम लोगों ने चेंज कर लिया। देन अब हम तो ये देखिए दूध सागर का व्यू, जस्ट अमेजिंग। व्यू तो बहुत ही प्यारा था, बट ये था कि पानी बहुत ठंडा था, अंदर जाना हो नहीं पा रहा था, पर
दूध सागर आए, पानी में नहीं गए तो मतलब क्या है, तो हम लोग फाइनली पानी में गए। पानी की बोतल एंड अब हम लोग जाने वाले हैं वापस रिटर्न। तो अच्छा था, बहुत ठंडा पानी था, बट लोग शायद कहीं कौन किस जगह पे जा रहे हैं अभी तक वो डिसाइड नहीं है, क्योंकि लोग डायरेक्ट पंजिम से आए हुए थे एंड डायरेक्ट हम लोग मडगांव उतरे एंड डायरेक्ट हम लोग को कुछ लोग मिल गए एंड हम लोग डायरेक्ट प्लान बन गया दूध सागर जाने का। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चलिए कुछ खाया नहीं है सुबह से, बट अभी हम लोग निकल रहे हैं। बाय बाय टाटा, हमारी टैक्सी भी आ गई। गाइस अभी हम लोग आ गए दूध सागर से वापस और अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। तो हम लोग अभी टैक्सी स्टैंड में आए थे, टैक्सी स्टैंड मतलब जिस गाड़ी से हम लोग दूध सागर गए थे उस गाड़ी से हमने पूछा था होटल के लिए, तो उन्होंने बोला 400। यहाँ से मतलब 7 किलोमीटर दूर था, वो 5 किलोमीटर दूर था। तो हम लोगों ने फिर टैक्सी वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी बोला कि 350। तो हम लोग सोचा इससे अच्छा वॉक करते हुए चले जाते हैं, मतलब हमने लोकेशन में वॉक का डाल दिया तो उसमें 5 किलोमीटर आ रहा है। तो अभी हम लोग वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, वॉक एंड वैसे सुबह से आज कुछ खाया नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में कुछ मिलेगा तो हम लोग खाते हैं। हम मिलते हैं आपसे हमारे रेस्टोरेंट में, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। बाय बाय टाटा। मैंने गलती कर दी कि मैं स्ट्रॉबेरी को लेकर